सो इट्स बीन ए मंथ मैं यूज़ कर रहा हूँ टैमरोन का 1728 f2.8 DI3 RXD लेंस, और ये एक वाइड एंगल लेंस है जो मैंने वीडियो में भी यूज़ किया है और फोटोग्राफ में भी यूज़ किया है। और मैं पर्सनली बताऊँ, मुझे काफ़ी अच्छा लेंस लगा है। इसकी जो परफॉर्मेंस है, इसकी जो शार्पनेस है और जो क्रिस्प इमेज क्वालिटी और जो वीडियो दे रहा है, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। सो इस वीडियो में हम अपने इस टैमरोन 1728 के बारे में बात करेंगे कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँगा एज ए फोटो और वीडियो में, और इसकी कॉस्टिंग क्या है, स्पेसिफिकेशन क्या है, इमेज क्वालिटी कैसी है, वीडियो क्वालिटी कैसी है, सब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो विदाउट टाइम वेस्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, मैं सबसे पहले बात करता हूं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की 1728 2.8 के साथ। देखिए, मैं एक स्ट्रीट फोटोग्राफर हूं और मैंने इसको स्ट्रीट पे काफी ज्यादा यूज किया है। सो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो काफ़ी अच्छा लेंस है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे इसकी लगी कि भाई, एक तो लाइट वेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लाइट वेट होने की वजह से हम इसे कहीं पे भी इजीली कैरी कर सकते हैं, मेरे बैग में भी बहुत इजीली आ जाता है। सेकंड थिंग मुझे बहुत अच्छी लगी इसकी कि 1728 है, यानी कि एक वाइड एंगल लेंस है, और उसके बाद भी जब आप इसे जूम कर रहे हैं 28 तक, तो कोई ऐसा नहीं है कि भाई लेंस बहुत बाहर आ गया, फिर ऐसे इसका वेट चेंज हो गया, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छा वर्क करता है। मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो तीसरी चीज़ मुझे इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, बिकॉज आई एम स्ट्रीट फोटोग्राफर, मैं लो लाइट कंडीशन में भी खींचता हूँ, मैं एक्सपेरिमेंट भी करता हूँ बहुत सारे, 2.8 मेरे को अपर्चर मिल जाता है लो लाइट कंडीशन में, काफ़ी अच्छा वर्क करता है। और मैंने इसको फ्लैश के साथ भी एक्सपेरिमेंट किया है और एकदम अल्टीमेट फोटोग्राफ्स आई हैं। अगर मैं इसकी शार्पनेस की बात करूँ, शार्पनेस मुझे बहुत अच्छी लगी। वाइड एंगल लेंस होने के बाद भी डिस्टॉर्शन बहुत ही कम है इसके अंदर, कलर सेंस बहुत अच्छा है और टैप बहुत अच्छी देता है, ठीक है। और मेरे को सबसे अच्छी जो इसमें चीज़ लग रही है कि आपका जो प्राइस है वो भी काफ़ी कम है इस लेंस का। अब बहुत सारे फोटोग्राफर टेक्निकली सुनना चाहते होंगे, तो मैं टेक्निकली बताता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या यूज़ हुआ है और इसके क्या क्या फीचर्स हैं 1728 2.8 लेंस के। इसके अंदर आपको ऑप्टिकल कंस्ट्रक्शन मिला है, 13 एलिमेंट है 11 ग्रुप में, ठीक है। और इसके अंदर 2LD और 1XLD है। अब ये LD क्या है? LD है लो डिस्पर्शन और एक्स्ट्रा लो डिस्पर्शन, जिसकी वजह से क्रोमेटिक एब्रीविएशन एक हद तक ख़त्म हो जाती है। बेसिकली आपने देखा होगा बहुत सारी इमेजेस में क्रोमेटिक एब्रीविएशन आ जाती है जब आप उसे यूज़ करते हो अगेंस्ट द लाइट या अगेंस्ट द सन यूज़ करते हो, और बहुत ज़्यादा गंदी लगती है जब वो एजिस पे दिखती है, तो वो इसके अंदर एकदम ख़त्म है। अगर मैं इसके अंदर इसके मिनिमम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करूँ तो वो हमें मिलता है 0.19 मीटर, यानी कि 7.5 इंच। इसकी वजह से आप इसके जो वाइड एंगल यानी कि 2.8 लेंस के अंदर बहुत करीब जाके भी फोटोग्राफ क्लिक कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, और बहुत ही क्रिएटिव लगता है, और क्या शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड आती है, आपको देख के ही मज़ा आ जाएगा। अब हम इसके बात करते हैं इसकी AF मैकेनिज्म की, तो वो हमें मिलता है RXD। अब RXD क्या है? RXD है हमारा रैपिड एक्स्ट्रा साइलेंट स्टेपिंग ड्राइव। बेसिकली इसकी जो मोटर है वो काफ़ी ज़्यादा साइलेंट है, आवाज़ नहीं आती। अब वेडिंग है या बहुत सारे ऐसी लोकेशन होते हैं जहाँ पे जब आप ऑटो फोकस करते हैं, फोकसिंग करते हैं, तो बहुत किचकिच इस तरीके के लेंसेज में आवाज़ आती है, इसमें बिल्कुल नन आवाज़ है वो फोकस की, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अगर आप वेडिंग फोटोग्राफर हो या आप किसी प्रोडक्शन हाउस में काम कर रहे हो, किसी भी ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आपको साउंड जो है एकदम कम चाहिए होती है। अगर अब हम इसके नेक्स्ट फीचर की बात करें तो वो ये है, सो ये जो टैमरोन का लेंस है वो मॉइस्चर रेजिस्टेंट है। हाइड्रोफोबिक फ्लोरिन कोटिंग यूज़ करी गई है, जिसकी वजह से आपके लेंस के अंदर मॉइस्चर नहीं जाएगा, आपका लेंस बहुत ज़्यादा सेफ रहेगा। और इसके अंदर मैं आपको एक और टेक्निकल टर्म बताता हूँ, वो है हमारा BVAR कोटिंग, यानी कि ब्रॉड बैंड एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग इसके अंदर यूज़ करी गई है, ताकि आप हार्श लाइट में भी इमेजेस जो हैं क्लिक कर पाएँ। बीइंग ए स्ट्रीट फोटोग्राफर, मैं बहुत हार्ड लाइट में यूज़ करता हूँ, बहुत सारे फैशन फोटोग्राफर हार्ड लाइट बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्रिएटिव फोटोग्राफर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा फीचर है। सो ये थी कुछ इसकी टेक्निकल नॉलेज जो मैंने आपको बता दी स्टार्टिंग में, मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता दिया। और मैं अगर आपको बताऊं कि अगर आप वेडिंग कर रहे हैं, आप वीडियो करना चाह रहे हैं इसे, तो आप इस लेंस के साथ इसे गिम्बल पे लगाइए,
आप बहुत सारे लेंसेज होते हैं, जब आप जूम करते हैं तो वो वही अनबैलेंस्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको 17 से 28 मिल जाता है, यानी कि वाइड एंगल से लेकर आपको एक जो स्टैंडर्ड लेंथ है वो मिल जाती है, वो भी विदाउट आप एकदम सब एक्सिस पर वो बैलेंस रहेगा। तो मैं बोलूँगा कि ये एक लेंस आपके पास होना ही चाहिए, चाहे आप स्टिल फोटोग्राफी कर रहे हैं, चाहे आप वीडियो कर रहे हैं, तो मस्ट होना चाहिए। ऑटो फोकस बहुत अच्छा है, और अभी जो आप पूरी वीडियो देखी है वो मैंने इसी से शूट करी है, इसी से रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं अपने 1728 लेंस से। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके आप परचेज कर सकते हैं, जाके चेक कर सकते हैं, स्टोर्स पे बहुत सारे स्टोर्स पे अवेलेबल है टैमरॉन का लेंस जो है 1728 2.8। अगर आप सोनी का फुल फ्रेम मिररलेस कैमरा यूज कर रहे हैं या फिर लेने की सोच रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं ये जो टैमरॉन का लेंस है ये फुल कंपैटिबल है उसके इनबिल्ट फीचर के साथ। अंदर आपको मिल जाता है फास्ट हाइब्रिड ऑटो फोकस, आई ऑटो फोकस, डायरेक्ट मैनुअल फोकस, इन कैमरा लेस करेक्शन एंड फर्मवेयर अपडेट, यानी कि भैया सोने पे सुहागा है और बहुत ही सही लेंस है। और मैंने आपको इमेजेस और वीडियोस भी आपने देख ली हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं मेरा वीडियो कैसा लगा, और आपको कौन सा इस लेंस का फीचर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अब मेरे मास्टर्स के एग्जाम एंड हो चुके हैं, अब मेरे पास टाइम है, अब वीडियो कंटिन्यू आपको आती रहेंगी। इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए फोटोग्राफी रिलेटेड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो मेरी वीडियो की। सो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।